कमला की मौत 1989 में रिलीज्ड एक ऐसी फिल्म जो अपने समय से बेहद आगे की फिल्म थी। मैंने ये फिल्म अपने बचपन में देखी थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब ये फिल्म मैंने दोबारा से देखी तो मुझे लगा कि इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये फिल्म सन 1989 में रिलीज़ हुई थी। साथ ही इस फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले देखा था बासु चैटर्जी ने। साथ ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। वहीं इस फिल्म की कहानी लिखी थी स्वराज बंदोपाध्याय ने और इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर रहे अजय प्रभाकर। साथ ही इस फिल्म में म्यूजिक दिया था सलिल चौधरी ने। इस फिल्म की मेन कास्ट में शामिल थे पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक, आशा लता, कविता ठाकुर, इरफान खान, रूपा गांगुली, आशुतोष गोवारेकर, मृणाल कुलकर्णी जैसे सितारे। अब बात की जाए इस फिल्म की कहानी की, तो जाहिर है कि इस फिल्म का शीर्षक ही इस फिल्म की कहानी है। एक 20 साल की लड़की कमला जो अपने ही चौल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। वजह ये कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार में धोखा देता है और शादी से पहले ही वो माँ बनने वाली होती है। कमला तो आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाला सुधाकर पटेल का परिवार कहीं ना कहीं अपने आप को कमला की मौत से जोड़कर देखता है और उनके अतीत के कुछ गहरे राज खुलते हैं, और यही इस फिल्म की कहानी भी है। साथ ही ये फिल्म प्रेम संबंधों से लेकर विवाह से पूर्व होने वाले यौन संबंधों, अनचाहे गर्भ जैसे कई मुद्दों पर रोशनी डालती है। कहीं ना कहीं इस फिल्म में आज की छवि नज़र आती है। इस फिल्म के लिए बासु चैटर्जी को सन 1991 में हुए फिल्मफेयर अवार्ड्स यानी कि 36th फिल्मफेयर अवार्ड्स में फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी दिया गया। इसी के साथ साल 2013 में जब इंडियन सिनेमा को 100 साल पूरे हुए, तब NFDC ने शुमारों के साथ पार्टनरशिप कर ली और इस फिल्म को डिजिटली री-रिलीज़ किया गया इंडियन सिनेमा के लेबल के तहत। इससे पहले ये मूवी YouTube पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इस फिल्म के री-रिलीज़ के बाद ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है। इस फिल्म के निर्देशक रहे बासु चैटर्जी की एक खास बात ये भी है कि उनकी बनाई हुई सभी फिल्में समाज के बेहद करीब हुआ करती थी। इतनी वास्तविक थी कि समाज का आईना लगती थी। साथ ही मिडिल क्लास फैमिलीज़ के दर्द को पर्दे पर दिखाने वाले पहले निर्देशक वही थे। इस फिल्म की कुछ और ख़ास बातें भी रही जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी रियलिस्टिक लगती है, जैसे कि इस फिल्म में कहानी का एक ही रात में आगे बढ़ना, और इस फिल्म में जगह जगह हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रूर सुनाई देता है लेकिन इस फिल्म में एक भी गाना नहीं है। लेकिन इस फिल्म में हमें गानों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती और शुरुआत से लेकर अंत तक ये फिल्म हमें बांधे रखती है। साथ ही ये फिल्म हमें ये बताती है, इस फिल्म को देखने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हर इंसान का अपना एक अतीत होता है, अपनी ज़िंदगी का एक निजी पहलू होता है जिसे वो समाज के सामने नहीं लाना चाहता। जिस तरह से इस फिल्म में कमला की मौत के बाद उसकी गलती समाज के सामने आ जाती है, लेकिन जब सभी कैरेक्टर्स कमला की मौत को अपने अतीत और निजी ज़िंदगी से जोड़कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि अगर कमला की जगह पर वो होते तो क्या करते। इस फिल्म को मुंबई में RK और नटराजन जैसे बड़े स्टूडियोज़ के बीच गिरिगांव के मंगलवाड़ी में गोपाल भवन नाम की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में शूट किया गया था। इसी के कारण इस फिल्म की लोकेशंस काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। यूँ तो इस फिल्म में सभी सितारों ने बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन इस फिल्म के 3 एक्टर्स की तरफ मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाहूँगी, जो हैं पंकज कपूर, आशुतोष गोवारेकर और इरफान खान। पंकज कपूर ने इस फिल्म में एक जवान और एक बूढ़े का किरदार इतनी बखूबी निभाया है कि उनके अभिनय को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा काम कोई मजा हुआ कलाकार ही कर सकता है। वहीं आशुतोष गोवारेकर इस फिल्म में दीपक के कैरेक्टर में दिखे थे। उनका रोल यूँ तो काफ़ी छोटा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगान और जोधा अकबर जैसी बड़ी फिल्मों के निर्देशन से पहले आशुतोष ऐसी ही छोटी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे चमत्कार, कभी हाँ कभी ना और नाम। एक्टर इरफान खान इस फिल्म में अजीत के कैरेक्टर में दिखे थे और आज उनकी गिनती कई बड़े सितारों में शुमार है। लेकिन
क्या आप जानते हैं कि उन्हें भी शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था और वो भी ऐसी कई छोटी बड़ी फिल्मों में नज़र आए थे, जैसे दृष्टि, सलाम बॉम्बे और एक डॉक्टर की मौत। तो ये थी फिल्म कमला की मौत से जुड़ी कुछ खास बातें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी, और अगर टाइम पास के लिए आप एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो कमला की मौत एक बेस्ट ऑप्शन तो है ही, लेकिन बासु चटर्जी द्वारा बनाई गई सभी फिल्में अगर आप एक बार देखोगे तो मुझे यकीन है कि आप बोर नहीं होगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।